अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आपको खैरियत से होंगे। तो ये मैंने ऑर्डर किया था बाटा से, तो इस तरह का मेरे को पार्सल आया है। मैं सोचा आपके लिए इसका अनबॉक्सिंग जो है वो रिव्यू भी बनाऊं कि किस तरह से मैंने डिलीवर किया और क्या मामला हुए, क्या परेशानी हुई, किस तरह की सिचुएशन रही। देख सकते हैं बाटा का पार्सल काफ़ी बड़ा फ्लायर है माशाल्लाह से, उसको हम खोलते हैं पहले तो। और मैं स्क्रीन पर लगा दूँगा कि कॉल कोरियर से ये पार्सल डिलीवर हुआ है और क्या मसले मुझे फेस करना पड़े और किस तरह से उन्होंने डिले किया। कॉल कोरियर वालों ने बहुत डिले किया, बाटा वालों ने बहुत जल्दी शिप कर दिया इस पार्सल को, बट कॉल कोरियर के एंड से काफ़ी ज़्यादा उसको डिले किया गया। आई डोंट नो क्या रीज़न था, मुझे कोई रीज़न ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया गया, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे, ठीक है ना, देख सकते हैं इस तरह के शूज़ है और क्लोज करके दिखा दो, ये है से काफ़ी ज़्यादा पुराने शूज़ है, मतलब कोई बॉक्स पैकिंग बनी हुई है, सब्जी डाल दी है और ये अंदर एक डब्बा जो है वो फटा हुआ, ये इस तरीके से मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके सामने इसको अनबॉक्स किया है और ये तरीका है बाटा वालों का, या आई डोंट नो कि कॉल करिए कैंड से इस तरह से हुआ है या बाटा वालों का एंड से हुआ है, लेकिन मुझे पार्सल कुछ इस तरह से मिला है। ये आपके सामने बॉक्स की सिचुएशन देख लो। तो बहुत ही मेरा अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस रहा, मैं आपसे स्क्रीन पर जो वो मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा कि क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बाकी ये पार्सल मुझे कितने में पड़ा और ये सारी सिचुएशन जो भी थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी साइज़ ओके है, ठीक है, 10 नंबर साइज़ मैंने ऑर्डर किया था, 10 नंबर ही है। आई डोंट नो कि आपको इसमें वीडियो में दिखेगा नहीं दिखेगा सही से, बट साइज़ में कोई मसला नहीं है, साइज़ दोनों का सेम है। संडा ऐसा भी होता है कि शूज़ आते हैं एक साइज़ डिफरेंट होता है और एक साइज़ अलग होता है, तो ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। और जो बॉक्स पे प्राइस मेंशन है वो 1999 है, ठीक है ना, और मुझे ये 15% डिस्काउंट में मिला और 10% HBL का डिस्काउंट, तो मीन्स टोटल 25%, बट ये मुझे 1750 का पड़ा है। मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है हमारे यहाँ। एनीवेज बाकी वीडियो आप पूरी एंड तक देखिए, अगर चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कि ये जो बॉक्स की हालत थी और ये जो शूज़ की हालत है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से मुझे शूज़ मिला, मैं आपको ज़्यादा क्लोज करके दिखाया था तो आपको बेहतर आइडिया होगा। ये इस सिचुएशन में मुझे शूज़ मिले, ऐसे लग रहे थे पता नहीं कितने पुराने हैं और मिट्टी से भरे हुए शूज़। ये आप देख लें सामने, आपको सबको बेस्ट नज़र आ जाएगी सिंपली, ये देखिए। तो कोई भी ऑर्डर करता है तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह से उसको चीज़ डिलीवर की जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।